कारण को जरा जोर से सुनना चाहिए। अगर माँ बाप नहीं तो तुम्हारा अस्तित्व नहीं होता, हम नहीं जान पाते मेरे खाटू में विश्व नहीं का। जयकारा जरा जोर से बोले कि अपने माँ बाप की हरे के सहारे की जय हो। देखिए वैसे तो हो सकता है मेरा समय पूरा हो गया, लेकिन मैं एक भजन जरूर गाना चाहता हूँ अपनी ओर से, अगर इजाजत हो तो। हाँ जी, एक भजन और मेरी तरफ से होगा, सुनिए। एक सच्चाई से रूबरू करना चाहता हूँ, जननी माता, गौ माता, धरती माँ और भारत माँ, इन चारों की पहल धर्म में पक्ष है चिरू मतदान। एक जननी माता जिसने हमें जन्म दिया, एक गौ माता जो हमारे धर्म की माँ है, एक धरती माँ जो पूरे विश्व की माँ है, और एक भारत देश जिस देश का नमक खाते हैं। इन सब के साथ में जो दगा करता है, मेरे बाबा की चौखट का अधिकारी नहीं हुए इंसान। श्याम बाबा से जुड़ी हुई एक बात, कृष्ण भगवान से जुड़ी हुई एक बात, जो जिसके ऊपर से लोगों ने आज पर्दा डाल दिया, वो पर्दा उठाना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सुनने वाले लोग बैठे हैं, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ। श्रोता लोग बहुत कम मिलते, जहां भी जाते हैं वहीं एक ही डिमांड होती लोगों की, भैया नाचने वाले आने दो, फिल्म भी धुनाने दो, ये रहता है, लेकिन यहाँ पर देखने के लिए बस सुनने वाले बैठे हैं, इसलिए गाना गाना चाहिए। सुनना जरा गौर से, आजकल हम लोग श्याम बाबा के, कृष्ण भगवान के बड़े बड़े बैनर बनवाते हैं, बड़े बड़े जागरण करवाते हैं, भंडारे लगाते हैं, लेकिन हमारा ध्यान हर कोई आप जैसा नहीं है, जिन्होंने देखो पूरी रात गाना अच्छा तो जागरण करवाया और अगले दिन भंडारे की व्यवस्था भी कर रहे हैं, ये है श्री जागरण। एक बार ताली बजाइए भक्तों के लिए, बजा दें एक बार ताली अपने आप के लिए। एक जगह पर कुछ भक्तों ने मिलकर के बड़ा सुंदर सा भंडारा किया, सुनना बात असली बात है, देखी हुई आंखों से देखी हुई बात है, सुंदर सा भंडारा तैयार किया। जब भंडारे का प्रसाद बन के तैयार हो गया तो उन्होंने सलाह की, बोले भाई ये जो हलवा पूरी जो भी अपना भोग है ये प्लेट में डालो और चलो कृष्ण भगवान के मंदिर में चलना, ये भोग लगाओ। मेरे भाई और मेरे बहनों जरा कान मेरी तरफ रखना, जब भंडारे का वो प्रसाद उस प्लेट में डाल के कृष्ण भगवान के मंदिर में गए, पैड़िया में चल रहे गौ माता खड़ी जो बिल्कुल भूख में सूख रही बेचारी, एक जना बोला बोला भाई ये प्रसाद में गिरवाओ, इसने साइड में कर एक ने उसको लात मारी और वो गौ माता साइड में जाकर खड़ी होगी, भीतर जाके कृष्ण भगवान की मूर्ति को भोग लगा दिया। और जब वापिस भोग लगा के आए वही गौ माता उसी जगह पे खड़ी, आंखों में बड़े बड़े आंसू में बोले डूब मरो, अपने आप को हिंदू कहते हो, अपने आप को कृष्ण भगवान के सेवक बताते हो, अरे कौन सा धर्म कमा रहे हो, कौन सा धर्म तुम कमा रहे हो, धर्म तो देखो मेरी आंखें हमको कुर कुर पड़ पड़ बैल लाग रहे हैं, ये मेरे आंसू नहीं है तुम्हारा धर्म बह रहा है, अरे डूब मरो, कृष्ण भगवान मुझे इतना प्रेम करते थे और आप लोग इसको तो हलवा पूरी खिला रहे हो और मुझे लात मार रहे हो, भगवान कभी खुश नहीं हो सकते, दुनिया में कोई बेटा ऐसा नहीं होगा जो अपनी माँ का अपमान करवाए खुद खुश हो जाए। मेरा बाबा एक बार फिर कहता हूँ ये छप्पन भोग का भूखा नहीं, ये तो भाव का भूखा है। बाबा किस चीज का भूखा है, भाव का भूखा है, और भाव कहाँ से बनता है, मैंने बताया था भाव वहीं से बनता है जहां से मैं बता रहा हूं, कि भावना में भाव ना हो तो सारी भावना बेकार है, और भावना में अगर जरा सा भी भाव हो तो फिर भाव से बेड़ा पार है। इस भजन की कंडीशन एक शर्त है, मुझे नहीं पता इस मंडल के क्या नियम है, लेकिन मैं एक बार बोलना चाहता हूं ये बात, अगर इजाजत हो तो। इस भजन में 10 रुपये, 20 रुपये, 50, 100, 500, 1,000,000, 1,00,000 जितने भी कृषि इकट्ठे होंगे वो सारे रुपये ना तो मैं लेके जाऊं, ना हमारे म्यूजिशियन भाई लेके जाएंगे, और ना ही वो पैसा हमारे मंडल में प्रयोग किया जाएगा, वो सारा पैसा लाचार गौओं की सेवा में लगाया जाएगा। आइए दिल खोल करके दान कीजिए, मैं झोली कर रहा हूँ सिर्फ गौ माता के लिए, आप लोगों ने कोई कमी नहीं छोड़ रखी, लेकिन मैं चाहता हूँ आप कलाकारों का बड़ा मान सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं, पैसे देते हैं, आपने मेरा भी मान सम्मान रखा है, लेकिन मैं चाहता हूँ गौओं के लिए अगर कुछ हो जाए तो मेरा आदादरी में आना सफल हो जाएगा। भाइयों कोई शर्म नहीं है, आंटी जी चाहे उधारे लेके कर दियो, दान जरूर करना, कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन करना जरूर। लोग कहते हैं भगवती के जागरण में अगर तारा रानी की कथा ना करो तो जागरण संपूर्ण नहीं होता, लेकिन रामधन का सरिया कहता है और हर जागरण में अगर गौओं के लिए ऐसे पैसा इकट्ठा हो जाए तो जागरण 101% सफल होता है। अगर मेरी बात आपसे लगी हो तो तालियों से आशीर्वाद चाहता हूं। शुरुआत हो चुकी है, ये गौ माता के लिए अलग से पैसे इकट्ठे करेंगे, कोई शर्म नहीं है, कोई भी शर्म नहीं है, सोचिए सारा पैसा गौओं की सेवा में लगाया जाएगा। यही छोड़ के जाऊंगा मैं, ढेर ला दो दिखा दो, दान में गए थे भाई तो गाड़ दिया भैया, आओ जी दान का ढेर लगा दो। आपको एक बात बता देता हूँ, दिल्ली लारेंस रोड पर बाबा का एक जागरण होता है, वहां पर भैया जी 52,000 रुपए इकट्ठे हुए इस भजन पर, 52,000 गौओं के लिए, थोड़ी बात नहीं। आइए आप भी दिल खोल कर दान कीजिए गौओं के लिए, कोई शर्म नहीं, और गौ माता हिंदुओं को क्या कहने लगी सर पहले से, क्या ये बात ये चाहता था, ये
जाइए मेरे ठाकुर, बस यही चाहता है तेरा बच्चा। आइए ताली बजाते हैं ठाकुर का। रे थारा धर अगर भाव बनता है तो केवल श्याम जागरण में बनता है।
भाव किसी ने गाने का मन करता तो केवल मेरे प्रभु के चरणों में बैठकर बनता है, क्योंकि यहाँ पर जितने भक्त मौजूद होते हैं सब भाव में डूबे होते हैं। और आप लोग ही काम कर सकते हैं जो मुहिम में चलाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं तो कहता हूँ मेरे कलाकार भाइयों, जितने भी कलाकार इस दुनिया के अंदर सारे हर जगह अगर ये काम करें तो हमारी गौ माताएं ऐसे रोड पर धक्के खाते नहीं मिलेंगी, सबका इंतजाम हो जाएगा। इसलिए कह रहा हूं सुनो गौ मैया, कह रही गौ मैया क्या सुनो कृष्ण जी के प्यारो, सुनो और हिंदी के बहुत अच्छे विद्वान हैं जिनकी उम्र 64 साल है। एक ही बात कहते बेटा, जहां भी जागरण में जाओ लोगों को नचाना, मस्ती लुटाना, खूब लूटना बाबा के प्रेम में, लेकिन हर जागरण में ये काम धूम से जरूर करके आना। अगर ये काम हर जागरण में करोगे मैं समझूंगा मेरा एक ही शिष्य है कुछ ना कुछ कर रहा है। और जिंदगी सच बताता हूं, मेरी जिंदगी चल रही है तो इसी के सहारे चल रही है। गौ सेवा ने मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया आप यकीन नहीं कर सकते, सच्चाई है। सिर्फ और सिर्फ आज खा रहा हूं तो गौ सेवा का खा रहा हूं। गौओं के लिए पैसा इकट्ठा होता है वही तो हमारे नसीब में आता, नहीं तो पता नहीं कितने पाप करते हैं। अरे बाबा का गुणगान तो पेमेंट लेके करते हैं। सच्चाई है, कोई सेवा नहीं है जो हम लोग दे रहे हैं, ये सेवा नहीं है। पैसे लेते चार्ज लेते हैं, लेकिन कम से कम एक चीज ये हमारे बीच में है जो दान स्वरूप इकट्ठी होती है जिसमें कोई स्वार्थ नहीं। मेरा क्या लगता है आप लोग जेब से अगर दो पैसे निकल के गौओं की सेवा में चले जाएं तो मेरी वाणी और मेरी कलम सफल हो जाती है। सच कहता हूं इसमें कोई स्वार्थ नहीं, अपने आप तुम्हारी मुक्ति होगी, गारंटी इस बात की। मैं उदाहरण खड़ा हूं आपके सामने, ताली बजा के बोल रहा हूं क्या गुरु ओम प्रकाश Yeah.
मेरे बाबा मैं कहता हूँ बाबा उदन का कब्जा जा था उदन का बुला लेना तो ढेर लाख जन्नत रुपया इतने दानी लोग एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनिए पहले हाथ से पड़ी हमारे मंडल में जो कि ये श्याम बाबा का मंडल है जितना भी ये दान आया है आप देख रहे हैं एक ग्यारह भर गया नोटा का चाहिए भाई मैं तो भूला समाज तो बेसक पेमेंट ना दिया तो ग्यारह जी सच कहूँ बहुत ज्यादा खुशी हो रही है मुझे हमारा ये मंडल मिलकर के अपनी मेक कमाई में से 11,000 रुपए गौओं की सेवा में दे रहा है जोरदार ताली बजा के वाह मेरे ठाकुर क्या बात है ऐसे ऐसे मंडल हर एक शहर हर एक गांव में हो जाए तो एक भी गौ माता रोड पे नहीं फिरेगी हमारा धर्म बच जाएगा सजनों बड़ी खुशी हुई हम लोगों के बीच में और ये भी राशि छोटी नहीं आई है 4751 रुपए दान स्वरूप आए हुए ताली बजाई गई के लिए और भैया एक छोटी सी 100 रुपए की भेंट अपनी तरफ से भी डाल दो हो जाएगा आइए 500 रुपए हमारे कोषाध्यक्ष गोपाल जी स्पेशल इनाम दे रहे हैं हमारे अजीज को 500 रुपए गोपाल जी हमारी संस्था के कोषाध्यक्ष स्पेशल इनाम दे रहे हैं आपके लिए एक बार जोरदार तालियां हौसला जाए के लिए और आप सब तो जानते हैं इस बात को कि हमने इसी पड़ताल में नेक कर्मों से और आपके सहयोग से अच्छी तरफ हम अग्रसर हुए हमने इस पंडाल में मशीनें भी बंटवाई हैं विंडोज के लिए जरूरतमंदों के लिए अब भी कोई जरूरतमंद आता है उसकी जो ख्वाहिश होती है उसकी जो जरूरत होती है हमारी ये संस्था पूरी करती है और वो दान आपका ही दिया हुआ होता है सिलाई मशीनें रजाई कंबल हमने इस पंडाल से बंटवाए हैं आप सब विदित हैं और ये नेक कर्म हमारा आपके सहयोग से चलता रहता है 500 रुपए हमारे तुषार भैया जी दे रहे हैं स्पेशल इनाम कागजरिया के लिए और 500 रुपए हमारी संस्था के प्रधान वेदपाल जी जाकर दे रहे हैं एक बार जोरदार तालियां वो 500 उधार है पहुंच गए आइए ये अंतिम मंत्रा होगी और उसके बाद शायद बाबा की आर्थिक आदेश होगा जैसा भी होगा बाबा चंद वैसा प्रोग्राम आपके बीच में होगा देखिए बोलो यही बोल दो आंटी जी क्या बात आ मेरी दादी क्यों सोच सोच होगी आती बात बता दी हाँ दादी सारे इसे कहेंगे क्यों चिंता करे देख दादी ने आशीर्वाद दिया ताली बजाई बता दी भाई इसे चीज खत्र बने हूँ मैं तो लोगों में मैया रानी देखो मेरे को गाना नहीं आता सच में मैं कोई कलाकार नहीं हूँ मैं तो बाबा का सेवक सीख रहा हूँ मैं तो ये सोचता हूँ गुलशन जी आप जैसे उस्तादों को देखकर तो ये लगता है कि मैं तो माँ के पेट में ही खेल रहा हूँ अभी संगीत की दुनिया में कुछ पता भी नहीं है देखिए धीरे धीरे सीख जाएंगे ऐसे ही और ठंड की वजह से मेरा थोड़ा कंठ थका हुआ है तो उसकी तरफ ध्यान आने केवल भाव की तरफ ध्यान देना कोई कलाकार नहीं बाबा जैसा आप आदेश दे रहे बस वो कर रहा हूँ कलाकार की दृष्टि बिल्कुल भी ना देखिए मैं कोई कलाकार नहीं हूँ मैं तो बाबा के चरण का छोटा सा सेवक हूँ बोले श्याम प्यारे मैं बड़े जहाँ भी जाता हूँ बाबा ये रचना आपके नाम की जरूर गाता हूँ आदरणीय विनोद अग्रवाल जी जिनको मैं बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ वो गाते हैं बड़े भाव में डूब कर गाते हैं उनकी तरह तो मैं नहीं गा सकता लेकिन कोशिश करूंगा कि वही स्वर लग सके आइएगा सूर्य की पावन लीला बड़ी हिंदी रचना बड़ी प्यारी रचना है मैं एक ही तरफ देखना चाहता हूँ सिर्फ एक तरफ कहीं नहीं देखना चाहता और आप भी मेरे भाई और मेरी बहन मेरी माताएं आप भी एक ही तरफ देखना जिंदगी में कहीं देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको कहां देखना है जरा सुनिए
एक बार सच्चे सच्चे दोनों हाथ उठाइए, उठाइए, कोई शर्म नहीं मेरे साथ में। क्या करो प्लीज, और मेरे साथ बना चल के क्या कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। अब आंखें खोलो और बाबा की तरफ देखो और मेरे साथ बना क्या कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना कन्हैया तुम्हें एक नजर Yeah.
जब से तेरी सूरत को रोक दे बावड़े ओ सावरे कहावत है ए दुनिया मंडी पैसे दी हर चीज भी कहती पास रहा अंकल जी ए दुनिया मंडी पैसे दी हर चीज भी कहती पास रहा और इथे रुंदे चेहरे भी देनी हसरी दी आदत पास रहा जिंदगी चार दिन की जब भी किसी मिले तो हंसते हंसते मिलना रोते मिलोगे तीन दिन लोग पेटेंगे चौथे दिन कान भी काट जाएंगे छोटा रोंदा पाओगे अपनी याद नहीं होगी बाबा कहते बेटा हंस दो के घर बसते जो इंसान हंसना नहीं जानता वो इंसान नहीं है भगवान ने कितने जीव प्राणी बनाए हैं सब रोना जानते लेकिन हंसना सिर्फ इंसान जानता है आइए बाबा मुस्कुरा रहे मुस्कुरा के मेरे साथ गाएं क्या आज मेरी एक आंख फड़क रही है बार 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 फड़क रही है फड़कना मतलब ऐसे कांप रही है और क्या कह रही जरा सुना दिखा गुलशन जी सर छोटी सी मेरे भाइयों बाद में मत कहना कि रामधन भैया गंदे आवे ही चकी क्या वो कदे आंख फड़के कदे आवे ही चकी कदे कागल कदे कागल मेरे ऊपर प्योर नहीं हो आया प्योर नहीं हो हाँ भाई देखो कागल बोल रहा है एक बार मेरे हाथ भाई कदे कागल मेरे ऊपर प्योर नहीं हो आये प्योर नहीं हो आजा आजा रे सावरिया आजा आजा रे सावरिया मने रोले माटी जू क्यों रो रहे हो आप ही माटी की तरफ मत बैठो अंकल जी गोटे छोड़ दो टाइम लाइन में सर भानी जिंदगी पे भानी जिंदगी पे माटी रो रहे हो आज ही रो रहे हो आज रो सावरी आज रो सावरी Thank you.
the bell icon on the YouTube app and never miss another update.